तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम 1 से साइनोनिम, और इस साइनोनिम को बिल्कुल इजीली सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट आप लोग के सामने वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, खींचना, है ना। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब क्रोध, गुस्सा। अब इसको याद करते हैं, जो यार किसी ने आपको बोला यार अपना डॉक्यूमेंट सेंड करो, आपने सेंड कर दिया, री बोला सेंड करो, फिर सेंड कर, लेकिन बार बार री सेंड, फिर सेंड करो, फिर सेंड करो, फिर सेंड, एक ही चीज को बार बार सेंड करने पे क्या आता है, गुस्सा आता है। तो रिसेंड, रीसेंड करने के लिए बोलता है, तो हमें क्या आता है, रिसेंटमेंट आता है। रिसेंटमेंट बोले तो क्रोध, गुस्सा। तो रिसेंटमेंट याद रहेगा क्या, रिसेंटमेंट मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट इसका अगर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन है एनोयंस। एनोयंस मतलब होता है गुस्सा। एनोयंस मतलब क्या होता है, गुस्सा। एनोयंस मतलब आता है गुस्सा। अब एक तो बार बार बोला रीसेंड रीसेंड रीसेंड, जिसके चक्कर में पहले आ गया है रिसेंटमेंट, और दूसरा आके कोनो आके उसका तरफदारी करा, भेज ना दो, भेज ना दो, क्या होगा, दो चार दस बार भेजिए देगा तो क्या होता है, और आ जाता है गुस्सा। देखिए, एनोयंस, एनोयंस मत कीजिए हमारे साथ, एनोयंस मत किया कीजिए। तो एनोयंस मतलब क्रोध, गुस्सा। तो रिसेंटमेंट का आंसर क्या होगा, एनोयंस। रिसेंटमेंट, एनोयंस, रिसेंटमेंट, एनोयंस। अगर ऑप्शन नेक्स्ट का बात करें तो डिस्पैच करना, डिस्पैच करते हैं ना किसी व्यक्ति को या वस्तु को, कहीं भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो डिस्पैच करते हैं। तो डिस्पैच करना मतलब भेजना, सेंड करना, तो ये आंसर नहीं होना। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट। एक होता है एग्रीमेंट, लोगों को बीच एग्रीमेंट हो गया, मतलब संधि हो गया, समझौता हो गया, मेलजोल हो गया, लेकिन एग्रीमेंट नहीं, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, मतलब बहस। जहाँ पे एग्रीमेंट है वहाँ प्यार है, मोहब्बत है, बट जहाँ पे डिसएग्रीमेंट है वहाँ बहस है, गुस्सा है, झगड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डिसमिसल, डिसमिसल मतलब सेवानिवृत्ति, मिसल, डिसमिसल, डिसमिस हो गए, है ना, वो क्या है, पद से डिसमिस हो गए, उनका तो छुट्टी हो गया, उनका तो तबादला हो गया, खत्म कहानी, है ना। तो डिसमिसल, डिसमिसल, मिस कर गए, है ना। तो डिसमिसल मतलब सेवानिवृत्ति, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, छुट्टी मिल चुका है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट 157 में बोल रहा है अपड्यूडेट। अपड्यूडेट मतलब जिद्दी। अब ड्यूरेट मतलब क्या होता है, जिद्दी, एकदम अड़ जाना, चाहिए तो पापा चाहिए, चाहिए तो पापा चाहिए। अब ड्यूरेट, अब ड्यूरेट, अब ड्यूरेट, अब ड्यू, अब ड्यू, कोनो रेट पर अब ड्यू, ड्यू, अब ड्यू, पापा बोल रहे बाबू रेट जब कमेगा ना तो अगले मंथ खरीदेंगे, ना ना, अब ड्यू कोनो रेट पर, अब ड्यू रेट, कोनो रेट पर अब ड्यू रेट, है ना, कोनो रेट पर हमारा चाहिए, क्या हो गई है वो लेने के लिए, अपड्यूरेट हो गई, अपड्यूरेट मतलब जिद्दी हो गई है। ऑप्शन एक का बात करते, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, बता है बचपन से, एंग्री, एंग्री, है ना, गुस्सा। एक है काम, काम शांत, काम मतलब क्या होता है, शांत, नहीं कहते काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ, है ना, तो काम शांत। एक है आपका ऑब्सेसेड, ऑब्सेसेड मतलब किसी बात से ये मन का पूर्णतः ग्रस्त हो जाना, किसी की बातों को मान जाना, ऑब्सेसेड, ऑब्सेसेड। और एक अगर बात करें अडामेंट, अडामेंट मतलब होता है जिद्दी, अडामेंट मतलब जिद्दी, अडामेंट मतलब जिद्दी, याद रहेगा, जो एब्ड्यूरेट का अडामेंट, एब्ड्यूरेट में अडामेंट, अडामेंट। ओके जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें तो अबसिक्योर, अबसिक्योर मतलब अप्रसिद्ध, असिक्योर मतलब अप्रसिद्ध, अबसिक्योर मतलब अप्रसिद्ध, अबसिक्योर मतलब अप्रसिद्ध। कुछ व्यक्ति होता है जो सिक्योर, जिसके पास सिक्योरिटी होता है, जिसको सिक्योर रखा जाता है, वो कौन व्यक्ति होता है, वो प्रसिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे अब सिक्योर, अप्रसिद्ध, असिक्योर, है ना, अपर, जो व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है उसको सिक्योरिटी नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उसे सिक्योरिटी मिलता है। तो अब सिक्योरिटी प्रसिद्ध, अब सिक्योरिट अप्रसिद्ध, याद रहेगा, अब सीक्रेट मतलब अप्रसिद्ध, अब सीक्रेट मतलब अप्रसिद्ध, है ना। ऑप्शन ए का बात करें तो अननोन, अननोन मतलब होता है अप्रसिद्ध, अननोन मतलब अपर, जिसे कोई नहीं जानता हो वो अननोन है, और जो अननोन है वो अब सिक्योर है, ठीक है। तो आंसर अब सिक्योर का अननोन। ऑप्शन का बात करें तो निगलेटफुल, निगलेटफुल करना मतलब निगलेट कर देना, नकार देना। नेक्स्ट अगर बात करें ओकेजनली, ओकेजनली मतलब समारोह पे, होली दिवाली छठ, है ना, ऐसा कुछ पर्व त्यौहार पे, ओकेजनली। नेक्स्ट अगर बात करें ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ओल्ड मतलब क्या होता है, पुराना होता है। दो मिनट बैठिए,
ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। एक क्या है? रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। रिलक्टेंट अनिच्छुक। नेक्स्ट, नेक्स्ट का बात करें अनविलिंग। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। अनविलिंग मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। अनविलिंग। विल मतलब होता है इच्छा और अनविलिंग मतलब न इच्छा। अनविलिंग अनिच्छा है ना, अनविलिंग अनिच्छा है ना। ऑप्शन तो भैया यही होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें फॉरगो। फॉरगो मतलब होता है ही समय से पहले, किसी भी समय से पहले। फॉरगो, फॉरगो है ना, फॉरगो मतलब किसी भी समय से पहले। नेक्स्ट की बात करें तो रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब होता है फालतू। रिडंडेंट मतलब होता है फालतू। रिडंडेंट मतलब क्या होता है? फालतू, रिडंडेंट। और एक है एमेंडेबल। एमेंडेबल मतलब होता है संशोधित करना। एमेंडेबल मतलब होता है संशोधित करना। एमेंडेबल मतलब संशोधित करना। एमेंडेबल, एमेंडमेंट करना, संशोधन करना। एमेंडेबल, एमेंडमेंट, एमेंडमेंट मतलब संशोधन। ओके भैया, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें तो रिविलेशन। रिविलेशन मतलब होता है प्रकटीकरण। रिविलेशन मतलब होता है प्रकटीकरण। रिविलेशन मतलब प्रकटीकरण, रिवील कर देना, रिवील कर देना है ना। रिवील को कर रिलीज। रिवील रिलीज से बन गया, नहीं कहते मूवी रिलीज हो गया। रिलीज हो गया मतलब प्रकट हो गया, सबके सामने आ गया है ना। तो रिलीज रिवील, रिवील मतलब ही प्रकट करना है ना, सबके सामने लाना। रिवील, रिवील याद रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब हो गया प्रत्याशा है ना। एंटीसिपेट मतलब हो गया प्रत्याशा, प्रत्याशा। तो एंटीसिपेट आप करने को प्रत्याशा होता है, तो ये नहीं होने वाला है ना। अगर हम बात करें इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना करना, नहीं कहते इमेजिन करो, खुद के बारे में इमेजिन करो, जो काश मैं आईएएस होता है ना, काश मैं इस पोस्ट पे होता है ना। अपने आप को इमेजिन करो, आज इमेजिन करोगे कल आप अचीव करोगे। पहले इमेजिन करते हैं फिर अचीव करते हैं, बिना सपना देख ले पूरा थोड़ी हो ये है ना। तो इमेजिन करना, कल्पना करना है ना। एक होता है रिवील। रिवील मतलब होता है में आनंद लेना, किसी भी चीज में आनंद लेना है ना, किसी भी चीज में आनंद लेना, किसी भी चीज में खुशी मनाना है ना। तो रिवील इन, रिवील इन, रिवील इन। और नेक्स्ट क्या है? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर आंसर यही होगा, क्लोज ना भैया, डिस्क्लोजर कर दो, प्रकट कर दो है ना। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? प्रकट करना। डिस्क्लोजर करना मतलब प्रकट करना। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए।